हेलो गाइस, तो फिर कैसे हैं आप लोग। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जिसको मनाली जाना है, उसको मनाली, कुल्लू, कसोल, जलंधर, पंजाब घूमना है, तो वो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अपने टूरिस्ट के ये रहते हैं पेजेस, जैसे कि थ्रिल ब्राजर्स हो गया वगैरह, तो आप उनके थ्रू बुक कर सकते हो। वो लोग 1 पर्सन 14,000 लेते हैं, 14,000 में आपको 10 दिन का टूर रहेगा, 7 दिन इसमें अपना ये रहता टूर और 2-3 दिन ट्रैवलिंग। तो अगर मुंबई से बुक करते तो मुंबई से आपको ट्रेन का टिकट दिया जाएगा फ्री में, फिर 7 दिन तक खाना, 10 दिन तक खाना पीना रहना सब आपका उनका रहता है। फिर ये वो पहले दिन तो जलंधर घुमाते हैं, सेकेंड डे वहाँ पे पहुँच जाते हैं कुल्लू, फिर 1-2 दिन कुल्लू रुकते हैं, फिर कसोल घुमाते हैं, फिर मनाली घुमाते हैं, फिर मलाना करके एक विलेज है, आपको वहाँ ले जाया जाएगा। मलाना जाने के बाद वहाँ पे वो लोग के बहुत सारे एक्टिविटीज़ रहते हैं। पहले तो आपको ट्रैकिंग कराई जाती है 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर, ट्रैकिंग के टाइम भी वो लोग खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और रूम्स काफ़ी सुंदर, काफ़ी सुंदर रूम रहते हैं लोग के। आप जैसे आपके रूम से पहाड़ दिखेंगे, बर्फ़ वाले पहाड़, इतने शानदार रूम रहता है। फिर आपको वहाँ से ले जाया जाएगा, अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है, आसमान से उड़ना है, वादियाँ देखनी है, तो आप पैराग्लाइडिंग के लिए लेके जाते हैं, फिर लोग रिवर राफ्टिंग कराते हैं, ये सारा इंक्लूडेड रहता है। और खाने पीने से लेके A to Z आपके रूम्स, अगर आप फ्रेंड्स जा रहे हो तो आप फ्रेंड्स एक ही रूम ले सकते हो, मतलब तो उनको बोलना पड़ता है कि हम लोग सारे साथ में रहेंगे, तो ग्रुप के ग्रुप भी आप साथ में रह सकते हो। 14,000 में और क्या चाहिए, और 10 दिन, और वहाँ से फिर 1 दिन ये रहता है अपना, ये जो वीडियो है वहाँ का ही है, बिजली महादेव ट्रैक। बिजली महादेव ट्रैक के टाइम वहाँ पे आपको बुलेट दी जाती है ये लोग की तरफ से, टूर वाले की तरफ से, आपको बुलेट राइड करना है, बुलेट राइड करते करते आपको यहाँ पे आना है। वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जब भी आप बुलेट राइडिंग करते हो, वो भी पूरे चारों बजे बर्फ़ गिरते रहते हैं, बर्फ़ों के अंदर मस्त बुलेट चलाओ, फिर ये जो राइड रहती है वो बुलेट राइड रहती है। उसके पहले जब मलाना गाँव जाते तो उधर दिन भर बर्फ़ पड़ती रहती है, तो वहाँ पे आपको पोंचो करके आता, पोंचो या फिर बारिश का जैकेट वगैरह लेके गए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और काफ़ी ठंडी जगह है, कभी -4, कभी बर्फ़ गिरते रहते, कभी गाड़ियाँ रुक भी जाती है। तो बेस्ट टाइम है यहाँ पे जाने का वो है जनवरी, दिसंबर, जनवरी, बहुत ही अच्छा टाइम है जाने का।